तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं रिटर्न के डबल डोज यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ, जिसकी जो पहली किश्त है 2015 में जो लॉन्च हुई थी वो ख़त्म हो रही है, मैच्योर हो रही है। और ऐसे में यहाँ पर निवेशकों को जिन्होंने उस पहली किश्त में पैसा लगाया उनको हो रहा है बम्पर मुनाफा, लगभग 120% से ज़्यादा की कमाई उन्हें होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर से आपको समझाएंगे हम कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश के लिहाज से, अगर सोना आप उसमें निवेश करना चाहते हैं, गहनों के अलावा अगर आप निवेश का कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो कैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए कमाई का बेहतरीन मौका हो सकते हैं, और जिस कमाई की मैं बात कर रही हूँ पहली किश्त की वो कैसे हो रही है, ये तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। अर्णव पंड्या फाउंडर मनी एंड यू स्कूल मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुणाल शाह हेड कमोडिटी रिसर्च, निर्मल बंग, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्लियरली कुणाल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर लगातार जब भी आपसे बात होती है और सोने में निवेश को लेकर बात होती है तो सोने की कीमतों और लेवल्स पर तो हम सवाल आपसे पूछते ही हैं कुणाल, लेकिन उसके अलावा हमेशा आपसे जब निवेश के विकल्प की बात हो तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जिक्र होता ही होता है, जहाँ पर निवेशकों की जो कमाई है वो 2.5% ज़्यादा होती है मार्केट रेट से। तो 2015 में कुणाल कब शुरू, कितने की थी ये, और उसके बाद जब मैच्योर हो रही है तो क्या कीमत का ऐलान किया गया है? वेल, आउटस्टैंडिंग रिटर्न कोई अगर कोई चीज ने अगर दिया है, जो भी जिन्होंने भी 2800 2850 रुपए में ये इसकी किश्त ली थी, आज 6000 6200 6300 अलग अलग जो भी अलग अलग ट्रांचेस है उसमें आपको रिडेम्पशन मिल रहा है, तो आपका पैसा दुगने से ज्यादा हो गया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। और इसका ब्यूटी ये है कि अलोंग विद आपका कंपाउंडेड आपका पैसा डबल हो गया, उसको छोड़ के आपको 12.5% ब्याज मिल रहा है 5 साल का। सो अलोंग विद दैट यू आर गेटिंग 2.5% इंटरेस्ट। सो जिसे परफेक्ट कहते हैं वर्ड, सोने पे सुहागा, विन विन सिनारियो फॉर एवरीवन। इंडिया का गोल्ड का इम्पोर्ट कम होता है, इससे इन्वेस्टर्स को गोल्ड का एक्सपोजर मिल जाता है, फिजिकल डिलीवरी नहीं रख के घर पे या वॉल्ट में नहीं रख के एक्चुअली आपका सेफ गोल्ड ने एक्चुअल गोल्ड ही ले लिया है, और गवर्नमेंट इसका राइट जगह पे इसका उपयोग करके आपको रिटर्न दे रही है। सो ऐसी तो कोई स्कीम होती नहीं है जनरली, और ये हमारे देश में ही ऐसी स्कीम है। आई एम वेरी हैप्पी दैट हूएवर हैज इन्वेस्टेड उसका एक्चुअली सोने पे सुहागा हुआ है। चलिए, आउटस्टैंडिंग रिटर्न जैसा कि कुणाल ने शुरुआत में ही कहा, अर्णव जी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दर्शकों को समझाते हैं कि ये कमाई हुई कैसी है। जिस भी लेवल पर हमने देखा कि ये किश्त खुली थी, और एक तो सोने की चाल उसके बाद, और जो 12% का कंपाउंडेड रिटर्न भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उससे भी कमाई जो है वो और बढ़ी है, तो ज़रा ये कमाई का गणित जो हुआ है इस पहली किश्त में वो समझाइए हमें। देखिए, जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो उसमें दो प्रकार का रिटर्न होता है। एक तो जो इनिशियल प्राइस होता है जहां पर ये बॉन्ड्स आप इश्यू किए गए उस पे जो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो मिलता है। पहला जो एक दो इश्यू थे शायद उसमें रेट 2.75 था, उसके बाद 2.5 हो गया है और ये 2.5 उसके बाद चलते आया। तो ये जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वो हर साल मिलता है, और ये जो परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे किया जाता है, यानी कि ये बॉन्ड जो है उसने जो 8 साल पूरे किए, हर साल इन्वेस्टर को ट्वाइस अ ईयर हर 6 महीने एनुअल रेट पे ये इंटरेस्ट मिला था। तो ये एक इंटरेस्ट हो गया जो ये कैलकुलेशन में आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक पे आउट की तौर पे आपको अपने बैंक अकाउंट में मिलता। इसके अलावा जिस प्राइस पे ये बॉन्ड्स इश्यू किए गए थे और आज की जो रिडेम्पशन प्राइस है जो 6172 है, तो उसका जो डिफरेंस है वो गोल्ड प्राइस के बढ़ने से निवेशक को मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है वो 8 साल में अगर हम कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन द इश्यू प्राइस तो वो 128% आता। अब 128% तो नॉर्मल इश्यू प्राइस से आता है, लेकिन कई लोगों को एक्चुअली उनका कॉस्ट थोड़ा और कम है, क्योंकि सरकार जो ऑनलाइन निवेश करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में उसमें 50 रुपये का डिस्काउंट भी देती है, तो उनके लिए शायद
रिटर्न थोड़ा ज्यादा होगा और 130% के ऊपर चला जाएगा। तो जो रिटर्न आता है निवेशक को ड्यू टू चेंज इन गोल्ड प्राइस वो ये 128% है। इसके अलावा इंटरेस्ट का जो रिटर्न है वो अलग है और वो तो एडिशनल है। तो इस दो प्रकार से निवेशक ने ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अपना जो रिटर्न है वो कमाया। 2015 से लेकर अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें और ग्लोबल बाज़ारों के लिहाज से देखें तो काफ़ी बदलाव देखा हमने। हमने एक महामारी से हम गुजरे हैं, तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमने देखी है, रुपए की कीमतें कमज़ोर हुई हैं, मजबूत हुई है, डॉलर मजबूत हुआ, कमज़ोर हुआ, काफ़ी उतार चढ़ाव हमने इन पैमानों पर भी देखा है, उसके बावजूद भी ये कमाई हो रही है। कुणाल? हाँ, सो यस, ये जो भी आपने फैक्टर्स बताया जैसे रूपी डेप्रिशिएट होना दैट वाज पॉजिटिव फॉर गोल्ड, अनसर्टेनिटी, इंटरेस्ट रेट, सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, जो गोल्ड जो हिसाब से बिहेव कर रहा है इट इज वेरी स्ट्रेंज और ये सभी निवेशकों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। जनरली जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब तब गोल्ड के प्राइजेस हमेशा नीचे आते हैं। सो यूएस में जब 0% से इंटरेस्ट रेट बढ़ के 5.5% हो गए, आइडियली गोल्ड प्राइजेस शुड हैव कम डाउन बाय $300-$400, बट द वर्ल्ड हैज चेंज आफ्टर द 2008 क्राइसिस, जो लीमन ब्रदर क्राइसिस हुई, इसके बाद सेंट्रल बैंक्स बेफाम रुपये जो करेंसी प्रिंटिंग जिसे कहते हैं, मॉनेटरी डिबेसमेंट जिसे कहते हैं, यूएस का जो बैलेंस शीट था $1-9 trillion हो गया है सेंट्रल बैंक का। तो इवन तो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, यूरोप में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, फिर भी गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। सो सबको समझना यही है कि गोल्ड एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है और ऐसे टाइम में जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसके साथ भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड बाय कर रही है, क्योंकि उनको आगे जाके समझ में नहीं आता है कि ये पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो गोल्ड ने अपने आप की जो थियरी होती है उसको भी डिफाइन किया है, विद द हायर इंटरेस्ट रेट विद द स्ट्रॉन्गर डॉलर गोल्ड प्राइसेस हैव नॉट गॉन डाउन, इनफैक्ट इट हैज रिमेंड स्टेडी एंड विद द डिक्लाइनिंग डॉलर। अभी जैसे कल का बड़ा न्यूज आपने अगर देखा है निवेशकों ने, यूएई ने कहा कि हम हमारा पूरा ट्रेड डॉलर में नहीं करेंगे अभी, यूएस डॉलर में। सो डे बाय डे सब कंट्रीज डॉलर को डीथ्रोन करके अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और डॉलर की वैल्यू कम हो रही है और गोल्ड के प्राइसेस डॉलर डिनोमिनेटेड है। तो आगे जाके अगर डॉलर डीडॉलराइजेशन कंटिन्यू रहता है जो थीम है अभी, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते ही रहने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 साल तक। तो गोल्ड इज मस्ट इन योर पोर्टफोलियो इन योर इन्वेस्टमेंट, इवन दो इट कैन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट रिटर्न देन भी नॉमिनल 8-10% ग्रोथ आपको गोल्ड देता रहेगा। सो गोल्ड का इंपॉर्टेंस आज के जमाने में आज से 10 साल पहले से 10 गुना ज्यादा हो गया है, गोल्ड की अहमियत, क्यों गोल्ड आपको अपने पास रखना चाहिए। जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा वही सेंट्रल बैंक, वही कंट्री दुनिया की मॉनेटरी सिस्टम पे अपना वर्चस्व जमा के रखेगी। तो गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में अभी भी ये लेवल्स पे भी इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं, फिर भी आपको नेक्स्ट 2-3 साल तक 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से गोल्ड कंजर्वेटिवली ग्रो होता हुआ नजर आएगा आने वाला। जी, किसी से ये पहली किस्त मिस हो गई हो और उन्होंने इसको बाजार से खरीदा हो तब भी उन्हें क्या इतना ही मुनाफा होगा? जी हाँ, अगर आप देखेंगे जी अर्णव जी, जी आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी निवेशक को उसने किस भाव पे खरीदा है, उस हिसाब से उनका रिटर्न होगा। ये जो हमने रिटर्न के बारे में बात की 128%, वो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टर्स जिन्होंने जब ये इश्यू आया था तब स्टार्टिंग में लिया था इश्यू के समय और उन्होंने एंड तक होल्ड किया, उनके लिए ये रिटर्न है। लेकिन जिस समय आपने निवेश किया उस समय से आज की तारीख में जो गोल्ड प्राइस का चेंज है प्लस उस समय का इंटरेस्ट, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर का रिटर्न हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके पास
इस इंस्ट्रूमेंट में लिक्विडिटी का ऑप्शन है, क्योंकि ये सभी इश्यूज आपको स्टॉक एक्सचेंज पे एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह वहां से आप सेकेंडरी मार्केट पे ले सकते हैं। लेकिन वहां पर दो फैक्टर्स हैं, एक है लिक्विडिटी फैक्टर, कौन से इश्यू में कितनी लिक्विडिटी है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि जब सेकेंडरी मार्केट में ये गोल्ड बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं तो वो एग्जैक्टली आज के स्पॉट प्राइस पे नहीं ट्रेड होते हैं, उसके आसपास ट्रेड होते हैं। कई इश्यूज जो लॉन्ग टर्म इश्यूज है वो हम अगर आज का भाव देखें तो उस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के इश्यू वो एक डिस्काउंट पे चल रहे हैं, और शॉर्ट टर्म के जो मैच्योरिटी वाले इश्यूज है वो ये स्पॉट प्राइस के आसपास ही है, कई शायद थोड़े समय के लिए प्रीमियम में भी चले जाए। तो ये ध्यान में दो चीज रखनी जरूरी है जो सेकेंडरी मार्केट से निवेशक गोल्ड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं। ऑलराइट, और कुणाल अगर हम कह सके तो ये पूरी तरह से टैक्स फ्री रिटर्न की बात हो रही है? जी हाँ, ये तो ब्यूटी है सोवरेन गोल्ड इन्वेस्टमेंट कि ये जो आपका इनकम है ये टैक्स फ्री है, सो इससे तो बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मतलब इक्विटी, यस इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, बट गोल्ड इट इज सो सिंपल, इट गोज सो नेचुरली, इट इज जस्ट ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वही आपको समझना है। बाकी तो आप जैसे गोल्ड ले रहे हो ऐसे आपको गोल्ड लेना है, ऐसे ही आपको गोल्ड बॉन्ड के ट्रांचेस लेने हैं, और जब आपको पैसे की जरूरत है या जब आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है और आपको एग्जिट लेना है तब आपको उसको बेचना है। सो इट इज जस्ट सिंपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड। सो जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर डूइंग इन अ फिजिकल वे, दे हैव टू डू इट इन अ डिजिटल वे। सो एक्सचेंजेस, वेरियस ब्रोकिंग कम्युनिटी, बैंक, सबने इसको प्रमोट किया था, यही रीजन से दैट दिस इज द one of the best way to buy gold and to remain invested in gold. So, tax-free income and excellent return. Ye dono cheez jo USP hai product hi, that will continue to attract investors. All right, तो चलिए, एक तो आपकी कमाई यहाँ पर टैक्स फ्री हो रही है, 128.5% तक का आपको रिटर्न भी मिल रहा है, और अगर 2.5% ज़्यादा मार्केट रेट को अगर हम काउंट करें तो 128.5% से भी ज़्यादा की कमाई हो रही है। लेकिन इसकी तुलना थोड़ा सा हम पिछले 8 साल में इक्विटी या मान लीजिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ही करना चाहें तो क्या सोने ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को रिटर्न के मामले में मात दे दी है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने क्या मात दे दी है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स तो उन्होंने भी 12% प्लस का रिटर्न दिया हुआ है इस समय में, तो इसको अगर आप ये जो गोल्ड बॉन्ड्स का रिटर्न है उसे अगर आप कंपाउंडेड रेट पे कन्वर्ट करें तो उसी रेंज में आएगा। तो शायद जो गोल्ड का रिटर्न है वो लार्ज कैप इक्विटी फंड से ज्यादा नहीं है लेकिन क्लोज है। लेकिन आपको ये सब चीजें की चिंता नहीं करनी चाहिए जब आप पोर्टफोलियो में ये सभी इंस्ट्रूमेंट शामिल करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो और खास करके गोल्ड जैसा इंस्ट्रूमेंट हो तो उसका एक अलग का रोल होता है। पहली चीज एक है कि डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप देखें तो पिछले 8 साल में जब काफी सारे क्राइसिस आए थे, इक्विटीज में असर हुआ था, तब गोल्ड एक ऐसा माध्यम था जो प्राइस के माध्यम में उस समय स्टेबल था या एक्चुअली ऊपर जा रहा था। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जब गोल्ड में एक्सपोजर लेते हैं तो अपार्ट फ्रॉम एसेट क्लास का डाइवर्सिफिकेशन, आपको एक एक्चुअली एक फॉरेन एक्सचेंज का भी एलिमेंट इसमें आ जाता है, क्योंकि जब हम भारत में गोल्ड प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम चेंजेस इन इंटरनेशनल प्राइस जो करेंसी डेप्रिसिएशन है उसका भी असर होता है। तो अगर आपका कोई गोल है जो फॉरेन करेंसी से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए पार्ट एलोकेशन इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से भी आपको अपने पोर्टफोलियो में उसका एक रोल रहता है। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आपको डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड से मिल रहा है जो एक आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो ये भी अपना एक काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम अदर फीचर्स रिटर्न के मामले में ये काफी अच्छा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और इसीलिए एक exposure to the portfolio इस प्रकार के instruments में या इस प्रकार के asset class में खास करके up to 10% एक अच्छी चीज रहती है। चलिए, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश के लिहाज से बेहतरीन विकल्प, जिस तरह से कम मैच्योरिटी जो पहली किश्त की हो रही है
उस पर मुनाफे को अगर हम ध्यान में रखें, लेकिन उसके अलावा कुणाल, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और ऐसे में हम देख भी रहे हैं कि घरेलू बाजार में सोना अपने उच्चतम स्तर में और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो लगभग 6 महीने के हाई पे कारोबार कर रहा है, तो इस चाल को आप कैसे देख रहे हैं, ये मजबूती और कितनी बढ़ेगी? फेड ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट भी दे दी जहां पर वो कह रहे हैं कि तकरीबन मार्च 2024 तक में जो है हो सकता है कि ब्याज दरें घटने का श्री गणेश हो जाए, है ना, थोड़ा सा महंगाई के स्तर पे चिंता उनको कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब तमाम समीकरणों को देखते हुए कुणाल, क्या लगता है अब क्या रफ्तार की ही चाल पकड़े हुए रहेगी सोने की चाल? कविता जी, आज जैसे आपने कहा, मैं भी सब न्यूज़पेपर में हेडलाइन देख रहा हूँ, गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, एंड बिलीव मी, लोग कहते हैं क्या ये रेट में बेचना चाहिए। मुझे मॉर्निंग से जो हमारे एडवाइजर्स या आरएम्स इनके कॉल आते हैं, सो मैं उनको एक ही चीज सवेरे से कह रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है, सो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, सो बिलीव मी, गोल्ड प्राइस आर गोइंग मच 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 हायर देन एनीवन कैन इमेजिन एट दिस पॉइंट। इट इज द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, आई थिंक ये वर्ड मैं आपके शो पे लास्ट 3 साल से कह रहा हूँ और आई कंटिन्यू टू से द सेम गोइंग फॉरवर्ड। वर्ल्ड में डी डॉलराइजेशन चल रहा है, दूसरा इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है वो रिवर्स होने वाली है, वो मार्च अप्रैल मई कभी भी कब होने वाली है, वो गोल्ड पहले ही उसको डिस्काउंट करेगा, और थर्ड जियो पोलिटिकल फ्रंट पे इतनी अनसर्टनिटी है, ये सब चीजों को देख के सेंट्रल बैंक खुद ना यूएस के बॉन्ड बाय कर रही है, ना यूरोप के बॉन्ड बाय कर रही है, ना यूके के बॉन्ड बाय कर रही है, ना जापान के बॉन्ड, सो कोई भी सेंट्रल बैंक एक दूसरी सेंट्रल बैंक के बॉन्ड बाय नहीं कर रही है। व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डाइवर्सिफाइंग द एंटायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद गोल्ड। सो हिस्टोरिकली गोल्ड में सेंट्रल बैंक लास्ट 10 साल में 300 से 400 टन गोल्ड बाय करता था, अभी लास्ट 2 साल से 2023 में 1100 टन, ये साल भी अराउंड 900 साढ़े 900 टन, तो 400 टन के सामने 900 टन तो सेंट्रल बैंक ले रहा है। सो आप समझिए, सेंट्रल बैंक हु आर द हु आर कंसीडर्ड एज अ गॉड्स फॉर द फाइनेंशियल मार्केट, दे देमसेल्व्स आर स्टॉकिंग गोल्ड, क्योंकि आगे कुछ भी गलत हो रहा है या समथिंग, तो उनका हेज क्या है? दे के नॉट इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज बॉन्ड मार्केट बिकॉज दे आर प्रिंटिंग मनी विद बैक बाय देयर बॉन्ड्स विच आर वर्थलेस आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि ये लोग 3-3, 4-4 trillion dollars ऐसे प्रिंट करते हैं कि इन अ मैटर ऑफ 3 months यूएस ने $4 trillion प्रिंट कर दिए थे। सो पेपर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है और गोल्ड जैसे असेट की वैल्यू बढ़ रही है। सो मेरी राय गोल्ड जा रहा है $2400 की ओर 2024 में, इंडिया में 68,000-70,000 तक के लेवल आपको देखने मिलने वाले हैं। सो ड्यूटी में कोई बड़ा चेंज ना हो जाए तो मेरे प्राइस टारगेट थोड़े कम हो जाएंगे। इंडिया में गोल्ड पे 15% ड्यूटी है, so if duty is getting reduced by 4% 5% in budget or something like that, to wo thoda bahut aapko hit aa sakta hai, baki gold mein picture abhi baki hai mere dost, और पिक्चर अभी बाकी है और काफ़ी ब्लॉकबस्टर होने की संभावना है इस पिक्चर की, और इसीलिए सोने के गहने नहीं बल्कि सोने में निवेश करने का मौका है और उसका भी सबसे बेहतरीन जरिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो चलिए, सोने में निवेश और फायदे की तो बात हो गई है, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर